नमस्कार दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि भाई आप सभी को सूचना मिल चुकी होगी कि हमारे जो जेल बेरी के एग्जाम है वो अभी स्थगित हो चुका है अस्थायी काम कार्यकाल के लिए। मतलब अभी कोई उसका समय फिक्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा है, आप ईबी की साइट पे आपने जाके देखा होगा कि भाई अपरिहार्य कार्य आ जाने के कारण अभी स्थगित कर दिया गया है और बहुत जल्दी ही आपके एग्जाम की डेट और एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आपके जारी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई एक अच्छी बात भी है हमारे लिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं भाई, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लगभग ऑनलाइन प्रशिक्षण भी बंद था, हमारी ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हो पाई, अभी पिछले एक दो महीने से ही सारा काम चालू हुआ है, ठीक है, वो भी ऑनलाइन स्तर पे। तो भाई कई बच्चे ऐसे जो दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं भाई, अगर वहां पे पहाड़ी इलाकों में है तो वहां पे नेटवर्क का भी बहुत इश्यू रहता है, वो लोग भी नहीं पढ़ पाए और एकदम से भी जेल पेरी के एग्जाम आ गए हमारे सामने, एडमिट कार्ड निकल के आ गए, तो भाई तैयारी नहीं हो पाई। मतलब जिस तरीके से एग्जाम पेपर को लेकर तैयारी होना था वैसी तैयारी हमारी नहीं हो पाई, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास भाई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, एक बहुत ही बढ़िया अवसर मिला है हमको, एक समय मिला है कि उस समय का भाई हम सही उपयोग करके व्यवस्थित तरीके से पढ़ लें। क्योंकि मुझे भी पर्सनली कई बच्चों ने बोला कि सर मध्य प्रदेश करंट अफेयर ज्यादा आता है जेल पेरी में, वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाए। तो भाई अब आपके पास समय है, आप चाहो तो उनको सही तरीके से पढ़ सकते हो, पूरा कंप्लीट कर सकते हो उसको, मध्य प्रदेश भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर भी हो जाएगा, जो एक दो चार क्वेश्चन आपके भूगोल से आ रहे हैं या जो हिस्ट्री वगैरह से आ रहे हैं वो भी आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमारा जो पूरा की पूरा इंटेंशन होना चाहिए वो आपके मध्य प्रदेश को लेके होना चाहिए, मध्य प्रदेश और करंट अफेयर, ठीक है ना भाई। तो भाई मैं यहां भी आपको जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है वो सॉल्व करवा रहा हूं, और मेरा सॉल्व करवाने का उद्देश्य ये है कि ये समझ में आए भाई हमको कि क्वेश्चन अगर एमपी से आ रहे हैं तो किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं तो किन मुद्दों पर बातें होती है, किन मुद्दों को लेके भाई क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए भाई मैं यहाँ पे ओल्ड पेपर लेके आया आपके पास ताकि उनको सॉल्व करें हम, तो समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। तो आज उसी को लेके भाई आगे बढ़ेंगे। आपका एक अक्टूबर का पेपर है, आपका सुबह की शिफ्ट का 2018, ठीक है, ये जो पेपर है एक अक्टूबर का है सुबह की शिफ्ट का। देखिएगा भाई ध्यान से, जीएस के बारे में ही हम बात करेंगे, जो आपका जनरल स्टडी के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा भाई, देखते चलिएगा, मैं क्वेश्चन यहां पढ़ दूंगा। जैसा पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आपका जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो किसकी जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। भाई हमारे यहां जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो किसके जन्म और मृत्यु की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो भाई मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ये है आपके विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय भाई, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना तो जरूर होगा भाई, क्योंकि एक भारतीय चिकित्सक भी है, परोपकारी व्यक्ति है, स्वतंत्रता से सेनानी भी रह चुके हैं ये, और ये राजनीतिक भी हैं भाई, क्योंकि 1962 में और 1948 में अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ये काम कर चुके हैं, तो राजनीतिक भी हैं। तो इन्हीं की याद में भाई 1 जुलाई को हर साल हमारे यहां नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 1 जुलाई को, ठीक है। तो वो किनकी याद में होता है भाई, आपके डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की, आई गेस, समझ में, डॉक्टर्स डे,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की बैठक को खालिस्तान अधिवेशन में आयोजित किया गया था, यानी आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको मंजूरी देने के लिए जो आपका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी उसकी बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये अधिवेशन आपको बता दूं मैं, आप अधिवेशन याद रखोगे, बॉम्बे अधिवेशन। जो आपका बॉम्बे अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय जो अखिल कांग्रेस कमेटी थी भाई उसकी बैठक को इस अधिवेशन में आयोजित किया गया था, और किसको मंजूरी देने के लिए, आपका भारत छोड़ो संकल्प को, आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको। ठीक है, तो आप याद रखोगे दूसरा भाई कौन सा अधिवेशन था आपका, बॉम्बे अधिवेशन। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए, साइंस का क्वेश्चन अभी जाके टकराया है, दो तीन सेट सॉल्व हम कर चुके हैं और साइंस का देख लो भाई अब जाके टकराया एक क्वेश्चन। कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन सा रसायन का छिड़काव किया जाता है। जो भाई आर्टिफिशियल जो रेन होती है आपकी, कृत्रिम जो वर्षा होती है, ठीक है, उसको करवाने के लिए बादलों में कौन सा केमिकल छिड़का जाता है, कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बता दूं भाई मैं आपको कि जो कृत्रिम वर्षा होती है उसको करवाने के लिए हवाई जहाज या रॉकेट के माध्यम से जो आपके बादल होते हैं वहां आपको भाई कृत्रिम बादल बनाना पड़ता है, और उसके लिए हमारे पास सिल्वर आयोडाइड है, सूखी बर्फ है, ऐसे ठंडे रसायनों का प्रयोग किया जाता है ताकि कृत्रिम बादलों का निर्माण हो और उनसे बारिश करवाया जा सके, कृत्रिम वर्षा का निर्माण करवाया जा सके। इसलिए दो रसायन आप याद रखोगे, सिल्वर आयोडाइड भी रख सकते हो याद, ठीक है, एक सूखी बर्फ है, दोनों ठंडे रसायन है भाई आपके। तो जब कृत्रिम वर्षा भाई करवाया जाएगा तो कृत्रिम वर्षा से भाई एक तो हम जल स्तर बढ़ा सकते हैं, दूसरा आपका बिजली जो है आपकी उसके उत्पादन के लिए भी जल स्तर बढ़ाया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। ठीक है, तो बहुत काम का है भाई कृत्रिम वर्षा आपका, तो उसके लिए जो बादलों में केमिकल मिलाया जाता है वो है आपका सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो आप याद रखोगे सिल्वर आयोडाइड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो भाई आपको बता दूं मैं, ये जो पेयजल कार्यक्रम योजना है ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, और कब शुरू की गई थी, 2013 में, और इसको करवाने का उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनको स्वच्छ जल मुहैया करवाया जा सके, स्वच्छ जल मुहैया करवाया जा सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत करवाई गई थी 2013 में, और किस मंत्रालय के द्वारा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। याद रखोगे भाई इसको आप। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इतना देखो पहले, ठीक है भाई, तो चार क्वेश्चन आपने देखा सबसे पहले, तो चलो अगला क्वेश्चन देखोगे आप, पांचवा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में से एक की स्थापना को मंजूरी दी है। भाई सबसे पहले तो जो केंद्रीय मंत्रालय है उसने चार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को मंजूरी दी है, और उसमें से एक हमारा मध्य प्रदेश में है, तो भाई
वो लोकेशन पूछना चाह रहा है आपसे कहां पे है वो, तो आप लोकेशन याद रखोगे इसकी भोपाल। जो आपका राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है इनकी स्थापना भाई 1961 में हुई है, और जो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसने एक स्वायत्त संस्थान के रूप में इसकी स्थापना किया है 1961 में। क्या करता भाई ये, इसने डिजाइन प्रशिक्षण देना, व्यवहारिक शोध करवाना, प्रशिक्षण देना, बाह्य कार्यक्रम के क्षेत्रों में भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर मैं बोलूं तो आपके डिजाइन संस्थान ने अग्रणी संस्थान के रूप में पहचान भी प्राप्त किया है अंतर इंटरनेशनल लेवल पे। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है वहां अग्रणी संस्थान के रूप में पहचान प्राप्त किया है आपके डिजाइन संस्थान ने, ठीक है। तो उनमें से एक को जो मंजूरी मिली है भाई वो कहां है आपके मध्य प्रदेश में, भोपाल में। आगे समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। मध्य प्रदेश के रिलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। जो रिलो गीत है भाई, जो रिलो जनजाति गीत है भाई, मैं बता दूं आपको, ये मुरिया ऑब्लिक गौंड जनजाति द्वारा गाया जाता है। आपका जो रिलो लोकगीत है, जो रिलो जनजाति लोकगीत है वो पूछना चाह रहा है कि किस जनजाति द्वारा गाया जाता है, तो वो है आपका मुरिया, मुरिया या गौंड जनजाति, ठीक है। तो आप याद रखोगे इसको, मुंडिया या मुरिया या गौंड जनजाति के द्वारा भाई कौन सा लोकगीत, भाई कौन सा लोकगीत, रिलो लोकगीत। आगे समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे आप। मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये तो। मध्य प्रदेश में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है, तो भाई ये है आपके सिंगरौली में। ये सिंगरौली में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बिजली कौन सी वाली भाई, आपकी थर्मल, ठीक है, आधारित भाई ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मध्य, सॉरी भारत का। पर अगर दुनिया की बात करूं तो दुनिया में 9वें नंबर का सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली स्टेशन है आपका सिंगरौली वाला। भारत में तो अव्वल नंबर पे है भाई, प्रथम नंबर पे, लेकिन दुनिया में अगर मैं बोलूं तो 9वें नंबर पे भाई कोयला आधारित सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है आपका। ये 4760 मेगावाट की क्षमता है इसकी, 4760 मेगावाट, सोच लो इतनी ज्यादा क्षमता है इसकी, ठीक है। तो ये कहां पे है भाई आपका स्थित, सिंगरौली जिले में हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है भाई। चलिए आठवें नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई है। भाई ये योजना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संबल योजना जो है ये सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन के लिए शुरू की गई है, यानी जो ग्रामीण, जो गरीब परिवार है, जो मजदूर परिवार है, उनको बिजली कनेक्शन में सब्सिडी मिल सके, इसलिए संबल योजना की शुरुआत की गई, संबल योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। तो सब्सिडी करे थे बिजली कनेक्शन के लिए संबल योजना शुरू हुई है आपकी, आगे समझ में, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, शायद पहले सेट में ही ये क्वेश्चन आया था, ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, वहां पे संबल योजना ऑप्शन में था कि गरीब परिवारों को, मजदूर परिवारों को सब्सिडी कर बिजली कनेक्शन देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई, शायद ये क्वेश्चन था, तो वहां पे ऑप्शन में था संबल योजना, और यहां संबल योजना पूछ लिया है किस उद्देश्य से है वो आपका, तो सब्सिडी कर बिजली कनेक्शन से, ठीक है। चलिए नौवां क्वेश्चन, बहुत ईजी है भाई, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, ठीक है।
मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है भाई आपका, कितनी भाई आपकी 52। हालांकि 2018 के समय में 1 अक्टूबर का सेट है ये, और 1 अक्टूबर को ही नया जिला बना है, 1 अक्टूबर 2018 को, तो उस समय तो भाई जिलों की संख्या 51 थी, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 तक जिलों की संख्या 51 थी, और 1 अक्टूबर को एक और जिला जुड़ा आपका निवाड़ी, और टीकमगढ़ से अलग हुआ आपका ये, टीकमगढ़ से अलग करके एक निवाड़ी एक नया जिला बनाया गया भाई आपका 1 अक्टूबर 2018 को, आगे समझ में, ठीक है। तो जिलों की संख्या आपकी कितनी आप याद रखोगे, 52, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। चलो अगला देखें, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह ने एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये पूछना चाह रहा है कि किस खेल में। जो तेजिंदर पाल सिंह है भाई, बहुत से लोग जानते हैं भाई, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा, तेजिंदर पाल सिंह का। हाल ही में जो 2018 में एशियाई खेल हुए हैं उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के हमारे भारत का नाम रोशन किया है तेजिंदर पाल सिंह ने, तो किस खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो भाई ये आपके शॉर्ट पुट में जीता है, गोला फेंक में, ठीक है ना भाई, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक, रख लो के भाई आप याद, ठीक है, शॉर्ट पुट या गोला फेंक, बात वही है। चलिए अगला देखें, जून 2018 में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच, जून 2018 में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया उसका नाम बताइए भाई। भाई ये तो आपको पता है, सोन नदी पे बना हुआ है ये, तीनों राज्यों की संयुक्त बांध परियोजना है आपकी, कौन कौन, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों राज्यों की, तो वो पूछना चाह रहा है कि उस बांध परियोजना का नाम क्या है। नदी तो मैंने आपको बता दिया, सोन नदी पे बना हुआ है, ठीक है, परियोजना का नाम बता दूं मैं आपको, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, ठीक है। तो ये परियोजना को नाम याद रख लोगे आप, इस परियोजना का कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार की, ठीक है भाई। चलिए आगे देखो भाई, अब देखो 3-4 क्वेश्चन तो एमपी के यही हो गए अभी, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखो, एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान जो एशियाई खेल हुए हैं 2018 में, तो जब वो समाप्त हुए हैं तो उस दौरान कौन सा या कौन सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक थी, यानी जो आपने देखा होगा जब भी एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेल या ओलंपिक गेम्स शुरू होते हैं तो आरंभ में और एक समापन में जो ध्वजवाहक होते हैं, जैसे हमारे भारत का ध्वजवाहक, हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व करेगा ध्वजवाहक, यानी हमारे देश का जो झंडा लेके जाएगा आगे, उसके पीछे पूरी टीम रहेगी, तो उस एशियाई खेलों के समापन के दौरान जो समापन समारोह हुआ था उसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था, ठीक है, बता दूं मैं आपको, हालांकि आपको पता होगा, ये थी भाई आपका रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है ये भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी है हमारे, भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, फील्ड को कवर करती है भाई ये। और हाल ही में अभी 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है रानी रामपाल को, ठीक है। तो भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं आपकी रानी रामपाल, इन्होंने 2018 के जो एशियाई खेल हुए हैं उनमें समापन समारोह में ये ध्वजवाहक रही हैं भारत की, ठीक है, कौन, रानी रामपाल, तो इनको याद रखिएगा भाई आप। 13वां क्वेश्चन भाई मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा आप, कि उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, जल्दी सोचो भाई,
ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने अगस्त में T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने संन्यास लिया भाई हाल ही में हमारी भारतीय टीम से? अच्छा, भारतीय पूर्व कप्तान है वो, बता दूं भाई मैं आपको, ये है आपकी झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी, ठीक है, इनका नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा भाई, झूलन गोस्वामी का। इन्होंने हाल ही में अगस्त में T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है झूलन गोस्वामी में, और इतिहास में सबसे तेज महिला गेंदबाज के रूप में इनका नाम भाई विख्यात है। सबसे तेज गेंदबाज महिला खिलाड़ी जो है उनका नाम विख्यात है भाई झूलन गोस्वामी का, ठीक है। तो ये पूर्व भारतीय कप्तान, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे भाई, क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं आपके झूलन गोस्वामी। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी, ले लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। भाई DRDO के अध्यक्ष का नाम पूछा है, क्वेश्चन है भाई करंट अफेयर का, ये आपके सतीश रेड्डी। कौन है भाई आपके? सतीश रेड्डी, नाम याद रखिएगा भाई इनका, सतीश रेड्डी का। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जो वर्तमान में DRDO यानी जो आपका रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है उसके अध्यक्ष हैं, तो भाई वो कौन है आपके? सतीश रेड्डी जी, इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिएगा आप, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। ये शासकीय योजना है आपका, कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। तो मैं भाई आपको बता दूं, सबसे पहले तो मंत्रालय आप खुद बोल दोगे, तो ये जो योजना है इसमें निराश्रित महिलाओं के लिए, निराश्रित महिलाएं मतलब ऐसी महिलाएं जिनके पास आश्रय नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई आश्रय नहीं है, जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए होटल सरीखा आश्रय बनाया गया है, यानी उनके रहने के लिए होटल सरीखा आश्रय का निर्माण किया गया है, कृष्ण कुटीर बनाया गया है भाई, ठीक है, ऐसी महिलाओं के लिए। तो महिलाओं की बात हो रही है भाई यहाँ पे, तो कौन सा मंत्रालय आएगा भाई आपका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा भाई। अब यहां देख लो, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपके एमपी से ही मिल गया, आपको आएगा समझ में, एमपी से मिल गया। उसके बाद आप देखो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, एक तो आपका तेजिंदर पाल सिंह के बारे में पूछ लिया, रानी रामपाल हो गई आपकी, झूलन गोस्वामी, तीन क्वेश्चन तो आपके स्पोर्ट्स से आ गए यहाँ पे, करंट अफेयर से भी बने आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो करंट अफेयर मध्य प्रदेश तो इंपॉर्टेंट है ही आपका, ये ध्यान रखिएगा आप। अब स्पोर्ट्स से संबंधित भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो करंट अफेयर का एक मुद्दा तो आपको पता हो गया कि भाई स्पोर्ट्स से आ सकता है। फिर इसके अलावा एक याद रख लो, करंट अफेयर में भाई योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं यहाँ पे, तीनों सेट में आपने देखा भाई योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी आपको मिले हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर भी भाई आप पढ़िएगा, मध्य प्रदेश भी पढ़िएगा सबसे पहले आसमान में, और मध्य प्रदेश की भाई आपको पूरी A to Z मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। हमारा जो पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट, ये जो चैनल है जिसमें अभी आप देख रहे हो मुझे, इसकी प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बाय तालिब सर, ऐसा करके आपको वहां पे प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएंगी मध्य प्रदेश की। तो जितनी जल्दी हो सके भाई पूरा मध्य प्रदेश एक नजर मार लो वहां पे, हालांकि आपने पढ़ा होगा, बस आपको एक रिविजन के तौर पे वहां पे नजर मारना है, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है भाई, ठीक है। तो वहां से आप मध्य प्रदेश पूरा कंप्लीट कर लें, फिर सुबह हमारी चैनल पे आपको करंट अफेयर का वीडियो भी मिल जाता है, डेली करंट अफेयर, तो आप करंट अफेयर भी कंप्लीट करते चले, सुबह की शिफ्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। और अगर अभी कोई नए बच्चे हैं भाई जो अभी अभी जुड़े हैं हमसे, तो भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो जैसे ही आप तक अपलोड हो तो भाई वो आप तक जब पहुंचे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का, ठीक है ना भाई। चलिए मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।